माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब दोस्तों? हाजिर हूँ। करंट एनर्जी अभी इस वक्त की क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में? तो जब कार्ड शफल करूँगी तो आपने अपने पर्सन के बारे में सोचना है। जर्नल रीडिंग है, थीथा पर भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है? एनर्जीज आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सोशल मीडिया पे आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है? हाँ, शफलिंग के दौरान आप टैप टैप कर सकते हो, लेकिन जब मैं कार्ड्स निकालूँ तब आपको पूरे ध्यान से वीडियो को सुनना है, क्योंकि आपको इससे हीलिंग मिलती है। आप हील होते हो जब पॉजिटिव कार्ड आते हैं, ठीक है? तो मैं अभी कार्ड्स निकालने वाली हूँ, तो सोचिए अपने पर्सन के बारे में। पहले हम कार्ड्स लगा लेते हैं, फिर हम करते हैं बात। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, अप्रोच करने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड कार्ड आया है, तो हम इनको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। आई होप अभी आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं, है ना? ठीक है। एक्चुअली ट्राइबोर्ड टूट गया है, मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से, तो कुछ दिन लगेंगे, जिसके कारण मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? जिनसे आप डील कर रहे हो वो पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा राशि की हो सकते हैं। ये राशि आपकी भी हो सकती है, ठीक है? आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, जज्बात उनके कंट्रोल में नहीं है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, टेन ऑफ वैंड आया है, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात कर वो हील होना चाहते हैं। अब जो आपको उन्होंने पेन दिया था, उस पेन को वो फील कर पा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट कैसे मिले, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी वो ही खुद ही लेके आए थे, बट पहले अब इन्होंने आपको काफ़ी इग्नोर किया, आगे बढ़ गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, यहाँ मुझे ये देखकर टेन ऑफ वैंड्स है, टावर मोमेंट है, एट ऑफ स्वॉर्ड है, काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। उनको भी वैसी ही चीटिंग मिली है जैसी चीटिंग उन्होंने आपको दी थी। डेविल कार्ड तो नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं, बस आते ही आपको, जब आपसे मिलने आएंगे आपको गले लगा लेंगे। यहाँ ये फील हो रहा है कि घंटों आपको देखना चाहते हैं, आपका हाथ अपने हाथों में लेकर बैठे रहना चाहते हैं। अब वो जो पेन है, जो पेन उन्होंने आपको दी थी जब अपने पे आई है, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, धीरे आएंगे लेकिन स्लो आएंगे, हर्मिट मोड पे हैं, आने से भी डर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये होप है कि आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो। आपके बीच में जो थर्ड पार्टी मेरे को नज़र आ रही है वो इनकी ईगो है, क्योंकि एम्परर कार्ड आया है, काफ़ी स्टबन नेचर के हो सकते हैं, थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। आपको अप्रोच करने वाले हैं बहुत जल्दी, अपनी ईगो को हटाकर आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि अब वो कंट्रोल कर करके थक से गए हैं, अब वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर काफ़ी बेकाबू हो रहे हैं। इन्होंने, मेरे को ऐसे लगता है, रीसेंट पास्ट में आप लोगों ने कहीं मॉल में जाकर शॉपिंग करी है, वहाँ पे आपके पर्सन ने आपको देखा है, देखकर कहीं छुप गए हैं और काफ़ी आपको चेज़ किया है, आपके पीछे पीछे रहे हैं, मे बी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ थे जब आप शॉपिंग कर रहे थे, आपको देख रहे थे दूर से और सोच रहे थे कि क्या ये मेरे बिना खुश है, क्या ये मेरे बिना जीना सीख गई है, मतलब ऐसे सोच, ऐसी थिंकिंग उनके दिमाग में बार बार आ रही थी। आपके काफ़ी टाइम उन्होंने आपका पीछा किया,
तब से बहुत बेचैन है, बार बार आपका फेस उनकी आंखों के सामने आ रहा है, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जब आपसे मिलेंगे तो बीती बातों को कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, बस कस के आपको गले लगा लेंगे, घंटों आपको देखेंगे और आने वाले फ्यूचर के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं वो आपसे मिलेंगे तो अपने जज्बात को ना कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे कि मैं मरा जा रहा था तुमसे मिलने के लिए या मैं मरी जा रही थी तुमसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको भी यही कहूँगी कि जब आपके पर्सन आपसे मिलने आएंगे तो आपको भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, पहले उनकी बात सुननी होगी। क्या प्लान लेके आए हैं आपके पास, क्या सोच कर आए हैं, क्या वापस फिर से जाने के लिए आए हैं, इस बात को आपने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। इस बार ये आपने पूरा ध्यान देना है, आपने भी कोई शो नहीं करना है कि मैं अभी वेट कर रही थी, मरी जा रही थी तुमसे मिलने के लिए या मरा जा रहा था तुमसे मिलने के लिए। आपने भी अपनी सिचुएशन को उस समय देखना है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही आप अपने पर्सन से बात करोगे। अगर वो आए हैं सिर्फ हील होने के लिए, ये चेक करने के लिए कि आप उनके बिना खुश हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो वो उनकी जो ईगो है ना वो बूस्ट हो जाएगी। अरे यार शुक्र है ये मेरे बिना खुश नहीं है, मेरे बिना खुश नहीं है, मेरी वेट कर रही थी, तो फिर वो वापस चले जाएंगे। तो आपने इस बार बहुत ध्यान रखना है, अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं उनके एक्शन को देखना है फिर आगे बढ़ना है, नहीं तो आपके पर्सन खुद तो हील हो जाएंगे, आप फिर वही पेन में आ जाओगे, वो फिर आएंगे और चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। कोई मे बी नेक्स्ट मंथ किसी का बर्थडे आ रहा है, मेरे को थ्री ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है आपके साथ बर्थडे के बहाने आपको विश करें या इस बहाने आपको अप्रोच करें। द फूल आया है, आपके साथ एक नई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो दिल पे बोझ है। टेन ऑफ वैंड्स आया है, अपने दिल का बोझ उतारना चाहते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड आया है, एक साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है और एक नया साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि साथ ही फूल कार्ड आया है, तो एक नई बिगनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं। इतना श्योर है गाइस, मुझे रुक रुक के वीडियो बनानी पड़ती है। तो आज हम यस नो रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो चल रहा है आपके माइंड में इस समय, तो सोचिए उसके बारे में। तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स दीजिए कार्ड। रीडिंग देखते समय मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन आया उसका आंसर दे दीजिए, गाइड कर दीजिए उनको। इतना शोर होता है तो मेरे को रुकना पड़ जाता है बीच में। चले मैं निकालती हूँ दो कार्ड, तो देखते हैं क्या आता है। यस नो रीडिंग करेंगे। यस, पर्सन का मैसेज आने वाला है आपको। अरे बाप रे, कार्ड नंबर वन एंड कार्ड नंबर टू। सोच लीजिए, मैं कार्ड ओपन करने वाली हूँ, मैं कार्ड्स उठाने वाली हूँ। जिन्होंने कार्ड नंबर वन सेलेक्ट करा है उनका आंसर देख लेते हैं। उनका आंसर यस है, जो भी रीडिंग के दौरान आपके माइंड में चल रहा था उसका आंसर यस है। सेवन ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल आया है, जिन्होंने कार्ड नंबर टू सेलेक्ट किया था उनका आंसर भी यस है। तो ये तो थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, क्या सोच रहे थे, क्या दिल और दिमाग पे चल रहा था। रीडिंग पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत खुश रहना है। पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव ही रहना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।